हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं भोजरा सर। देखिए नजारा। देखिए नजारा, देखिए आप ये। नमस्कार, एसएस सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एसएस सुजला की टीम इस समय सरदार सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, जहां पर उपचुनाव हो रहा है और मैं एक एक गांव की रौनक आप तक पहुंचाना चाहता हूं, रुझान आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं इस समय भोजरा सर गांव पहुंच चुका हूं। पीछे जो आप देख रहे हैं वो तेजाजी महाराज का मंदिर है और तेजाजी महाराज का जब नाम आता है तो एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी का नाम भी आ जाता है, वो है हनुमान बेनीवाल RLP। और भोजरा सर में RLP एक मीटिंग होने वाली है और हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँचने वाले हैं। और अगर कोई तेजाजी का मंदिर होता है तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्होंने लोकसभा में भी तेजाजी के जयकारे लगवाए हैं, तो तेजाजी महाराज के मंदिर में धोक लगाकर भोजरा सर में वो एक मीटिंग को संबोधित करेंगे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में RLP कितना ताल ठोक रही है, इसका भी नज़ारा देखने को मिलेगा। आइए भोजरा सर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। भोजरा सर के तेजाजी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर हनुमान बेनीवाल पहुँचने वाले कुछ देर में सरदार सर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। गाँव भोजरा सर का दृश्य आप देख रहे हैं, हनुमान बेनीवाल तेजाजी मंदिर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर गाँव में मीटिंग है एक। ये आप देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल का काफिला बहुत सारी गाड़ियों के साथ पहुंच रहा, आगे DJ चल रहा है और आप जानते हैं DJ के बिना हनुमान बेनीवाल कहीं जाते भी नहीं हैं। ये देखिए बहुत बड़ा काफिला आ रहा है गाड़ियों का। हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं भोजरा सर। देखिए नज़ारा। देखिए नजारा, देखिए आप ये। हनुमान बेनीवाल का काफिला देखिए आप। तेजाजी मंदिर हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल अपने पूरे काफिले के साथ पहुंच चुके हैं। तेजाजी मंदिर हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं। भोजरा सर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। तेजाजी मंदिर पहुंचे हैं भोजरा सर। सरदार सर विधानसभा क्षेत्र के भोजरा सर गांव हनुमान बेनीवाल अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं। प्रिय नेता का अभिनंदन हो रहा, तेजाजी महाराज का तस्वीर फोटो देखकर हनुमान बेनीवाल का स्वागत यहां पर भोजरा सर गांव में तेजाजी मंदिर में हो रहा है। तेजाजी महाराज का जयकारा जिन्होंने दिल्ली की सांसद में लगाया था, वो हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं और ग्रामवासी स्वागत कर रहे हैं। RLP के जो कैंडिडेट है यहाँ पर लालचंद मूड भी यहाँ पर साथ में है हनुमान बेनीवाल के साथ। पूरा मेले से ऐसा नजारा दिख रहा है कि तेजाजी मंदिर के बाहर हनुमान बेनीवाल का काफिला पहुंचा है, गाड़ियां नजर आ रही है और यहाँ पर एक मीटिंग भी करने वाले हैं हनुमान बेनीवाल। जोरदार चुनावी रौनक आप देख रहे हैं यहाँ पर सरदार सर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में। देखिए काफिले के साथ हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं अभी। ये देखिए RLP प्रत्याशी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं सभी लोग। हनुमान बेनीवाल के स्वागत में लोग उमड़ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए लालचंद मूंद की गाड़ी पहुँची है और हनुमान बेनीवाल भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर।
ये सभा स्थल पर हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंच चुके हैं मीटिंग स्थल पर। तोलने की तैयारी भी है और हनुमान बेनीवाल मंच आ रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करें हनुमान बेनीवाल यहाँ पर। हनुमान जी बेनीवाल ने मेरे को आरएलपी का प्रत्याशी बनाया है और आपके भरोसे पे ही मैं आपके लोगों के बीच में आया हूँ। मैं पिछले 25 साल से आपके बीच में रह के छोटे मोटे पदों पर रह के जैसी मैं आपकी सेवा कर सकता था, मैंने हमेशा आपके साथ खड़ा रहा और आपकी बात में आगे बढ़ाते रहे। लेकिन अब जो आने वाली 5 तारीख है, ये बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, सरदार साहब का भविष्य है। अगर आप 35 साल तक भवलाल जी को और अशोक जी पिंसा को बार बार सत्ता का प्रवर्तन करते रहे लेकिन कोई लक्ष्य अपने को हासिल नहीं हुआ। आपने गांव की जो समस्या है कि बिजली की हो, पानी की हो, स्कूल की हो या और सरदार साहब में हॉस्पिटल है, इन कोई व्यवस्था को नहीं वास्ते अपन अव्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जो 35 साल तक दो परिवार के बीच में बार बार बांट गया बांटिया और दोनों जीतता रहा हारता रहा लेकिन कि अपन कुछ को मिले नहीं। अगर आप बार मौको है, बड़ा सुनहरा मौको है और थे 5 तारीख ने बोतल के निशान पर बटन दबा दिए और मन चुनाव जिताओ बने दो। 35 साल तक देखे है तो 10 महीना मन भी देखे देखो। अगर थे 10 महीना में बदलाव कोई काम की कमी नहीं सी, कोई व्यवस्था की कमी नहीं सी तो मैं दोबारा थाने वोट मांगने को नहीं हूँ। इन वास्ते थे एक बार मैं थारो झोले फैला के हाथ जोड़ के और मैं विनती करूँ कि 5 तारीख है वोट देंगे और मैं जिताऊ। भवलाल जी और बाबा परिवार जगह किसानों की बात करें, मजदूर की बात करें, गरीब की बात करें लेकिन अपन लोगों का सारा पता है भवलाल जी 35 साल तक हमें ले रहे हैं लेकिन हरे गांव में या कोई गांव में इसे कोई आदमी को नहीं हो जो कमाने आज जाके कैसे कह के काम कर दो। इतने लोग भय हो हर आदमी के गाली करता गले पड़ता लेकिन लेकिन डरता थे बोर देता। अब वो भय मुक्त हो जाओ, आजाद हो जाओ, भगवान थारी सुनी है इन वास्ते थे आजाद हो जाओ और आने वाले 5 तारीख ने बड़ा सुंदर मौका है और बोतल के निशान में बटन दबा के चुनाव जिताओ। इन वास्ते मैं थारो आज और अपील करो, छोटी मोटी बात आप 25 साल तक सागर रहे हैं, थारे सागर में हमेशा सुख दुख रहे हो तो मेरे शुक्र गलती भी हो सके है। इन वास्ते छोटी मोटी बात भूल गए, मन उठाओ भूल गए और मन वोट दिया सागर है, छोटी मोटी बात होती रहे बिना कोई और तहसील का भविष्य सवाल है। भोजरा सर के अंदर जहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ, पहले वीर तेजा जी महाराज के मंदिर और जब आपने मूर्ति और घोड़ी का निर्माण किया था उस समय आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। मैं स्पेशली गांव के लिए चला के आया था, बहुत व्यस्तम कार्य निकाल के कार्य में से निकाल के और उस समय भी आपका जोश और उत्साह जो जुनून था मुझे पूरी उम्मीद थी लेकिन उसमें मुझे नहीं पता था कि उपचुनाव हो जाएगा बीच में ही। सरदार शहर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोबारा चुनाव लड़ रही, 2018 के अंदर भी आरएलपी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, आपने सहयोग आशीर्वाद भी दिया था, 10,000 से ज्यादा वोट आरएलपी पार्टी को आपने दिए थे और उपचुनाव के अंदर नामांकन के बाद आज गांव के अंदर वोट की अपील करने सबसे पहली जो मीटिंग है वो आपके गांव से मैंने शुरुआत करी है और मुझे पूरा भरोसा इस गांव से आप पूरा आशीर्वाद दोनों हाथों से छत्तीस को मिलकर राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी को दोगे। और भाई लालचंद जी मूंड देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिल्ली और जयपुर से बांटे थे लेकिन मेरे तीनों विधायक और 50 से ज्यादा नौजवान जो राजस्थान के अंदर अलग अलग जातियों से आते हैं
मजबूत नेता है। मैंने गांव गांव उनको भेजा और आप सबकी इच्छा थी कि भाई लालचंद जी मोंड को इस बार प्रत्याशी बनाया जाए। ये डेयरी के चेयरमैन है, चार बार से लगातार सरपंच भी है और आपके दुख सुख के अंदर हमेशा ये व्यक्ति आम आदमी की तरह, एक नेता की तरह नहीं भाई की तरह आपके बीच रहता है। और मेरी भी हमेशा इच्छा रहती है कि किसान के उन बेटों को जो समझदार हो, जो आम आदमी की पीड़ा समझे और जो विधायक और सांसद बनने के बाद बदल नहीं जाए, वहां यहाँ तो किसान जाने के बाद दूसरे नहीं बने, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का अनुमान बेनीवाल प्रयास करता है। इसे लालचंद जी मूल को आपके बीच आपकी इच्छा के अनुरूप प्रत्याशी बना के वोट की अपील करने आपके बीच भेजा है। यहाँ उपस्थित मेरी संख्या मेघवाल समाज की है, फिर ब्राह्मण समाज का नंबर आता है और 36 कौम इस सरदार शहर के अंदर है। लेकिन मैं मेघवाल समाज के भाइयों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर राजस्थान में किसी पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष मेघवाल है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज का है। तीन विधायकों में से दो शिडूल कास्ट से आते हैं, एक बहन इंदिरा बावरी बावरी समाज से आती है। मैंने जब चुनाव लड़ाए 18 के अंदर 57 जगह चुनाव लड़ा पाया, संसाधन नहीं थे, समय कम था और पहला किसान का बेटा हूं जिसने आपके सहयोग आशीर्वाद जोश जुनून से पार्टी बनाई और पार्टी बना के दोनों पार्टियों को चुनौती दी। उस समय मैंने यह भी ध्यान रखा था कि मेरे चुनाव लड़ने से कहीं किसान कौम कमजोर नहीं पड़ जाए, इसलिए 200 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाए। मैं 57 पे लड़ा पाया, सबका ध्यान भी रखा, प्रयास भी किया, अकेला व्यक्ति होते हुए 3 सीट निकाली। पर आपने देखा होगा पिछले दिन जो प्रदेश से हुआ राजस्थान के अंदर, अगर तीसरी पार्टी कोई खड़ी रही राजस्थान के अंदर, 6 विधायक बसपा के बने थे हमसे ज्यादा, लेकिन गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को खरीद के कांग्रेस में मिला लिया। बीटीपी के 2 विधायक थे, बीटीपी टूट गई, लोक दल का एक था कांग्रेस में चला गया, मंत्री बन गया और कम्युनिस्ट भी मैदान छोड़ के चले गए और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अगर राजस्थान की जनता की आवाज बन के सड़क से लेकर सदन तक और लोकसभा तक इस राजस्थान के मान को बचाने का किसी ने काम किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। तीनों विधायक इस विधानसभा के अंदर, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे एमपी से हमारी गाय दम तोड़ रही हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर जिस तरह सरकार ओबीसी वर्ग के हितों पर कुठाराघात कर रही है, उस समय अगर सरकार के खिलाफ किसी ने मोर्चा खोला तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने, मंत्री घोटाला करता है, मुख्यमंत्री का खास मंत्री जिसका बेटा धर्म बदल के दूसरी लड़की से विवाह करके और जिस तरह रेप की घटना को अंजाम देता है, या सरकार के कई विधायक मंत्री जब हत्या लूट और बलात्कार के अंदर शामिल होते हैं, उस समय अगर कोई आवाज बढ़ के आम आदमी की गरीब की न्याय दिलाने की बात करता है, बीजेपी हाथ मिला लेती कांग्रेस से, तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदन में और सड़क पे नागरिकता सांसद और कांग्रेस के बदमाशों को ठीक करने का काम राजस्थान के अंदर करता है। ये एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण राजस्थान के अंदर है। और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने ये सोच रखी, देखिए मैं भी मेरी पूरी जवानी समर्पित कर दी, मैं भी 2003 के अंदर मंत्री बनता, 8 में मंत्री बनता, 13 में बनता, 18 में बनता और देश के अंदर जब मैं मोदी जी के साथ था, मेरे सामने पड़ोसी हुई थाली थी, आपके यहाँ से मैसेज आ रहे थे कि भाई साहब इस मोदी की गोदी से निकल जाओ, आप कहते थे मोदी की गोदी में बैठो चले जाओ, किसान कौन तकलीफ के अंदर है। आंदोलन पंजाब का था, हरियाणा ने समर्थन किया, दिल्ली ने समर्थन किया और राजस्थान से अगर कोई किसान जो काले कानून थे उनके खिलाफ आवाज किसी ने उठाई, दिल्ली और जयपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग किसी ने जाम किया, तो किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर अपने भाइयों के लिए, किसानों के लिए मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा और प्रधानमंत्री को झुकने पर मजबूर किया भाई। और दूसरा जो कानून लेकर आई देश की सरकार, अग्निपथ सेना को ठेके में दे दिया, आज हमारे धरती पुत्री शेखावाटी अंचल के जो 62-65 एकत्र कारगिल लड़ाई के अंदर किस तरह भारत माता की रक्षा के प्राणों को न्योछावर करके सीने पे गोलियां खा के साथ देते, आज 4 साल के लिए अगर सेना को ठेके पे दे दिया तो 4 साल के लिए कोई नहीं जाएगा सेना के अंदर, और अगर जाएगा और उसको वापस निकाल दिया तो यहाँ वो बंदूक चलाना सीख जाएगा और लूट खसोट करेगा अगर उसको नौकरी नहीं मिली। इस बात को लेकर अगर देश में किसी ने ललकार भरी, हुंकार भरी, तो लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल आगे आया
और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम रहे या नहीं रहे लेकिन जवानों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे, मेरे भाइयों को न्याय दिला के दम लेंगे। और आप देख रहा अब जब लोकसभा का सत्र चलेगा, आगामी जब समय आएगा तो बड़ी रैलियां राजस्थान में और देश के अंदर करेंगे। भाइयों वैसे मेरे तो चुरू में रैली करने की बड़ी इच्छा थी, मुझे नहीं पता कि इस तरह उपचुनाव आ जाएगा और इतना भी नहीं पता कि चुनाव इतना जल्दी हो जाए। विधायकों का समर्थन दे रही थी और जब वसुंधरा तकलीफ में थी तो गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा मेरी बहन है और वसुंधरा का गहलोत मेरा भाई, ये आपने सुना होगा। तो भाई बहन का नाता जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर राजस्थान में सरकार चला रही है या चूरू के अंदर, तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी इतनी बड़ी वोटों की संख्या होते हुए भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी किसान बाहुल्य, अगर शेड्यूल कास्ट और मुसलमान भाई साथ आ जाए, ओबीसी के दूसरे भाई साथ आ जाए, बहुत बड़ा बदलाव चुरू के अंदर हो सकता है। जब नागौर की धरती पे बदलाव हो सकता है, भोपालगढ़ से वो जीत सकते हैं, मेरताचारी भी जीत सकती है, और नागौर के अंदर जब सांसद इन बीजेपी के लिए सीट छुड़वा देता बीजेपी पार्टी से, तो चुरू भी वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन में बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े किसान नेता दिए, लेकिन आपसी फूट की वजह से या वंशवाद की राजनीति रही। मेरे भंवरलाल जी मुझे कहा करते थे, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि भंवरलाल जी तो गहलोत को हटाना चाहते थे और उनका बेटा गहलोत की फोटो लगा के घूम रहा है यहाँ पर, ये कौन सी राजनीति भाई बताओ। और तो बार बार मुझे यही कहते थे हनुमान इसका इलाज करना, मैंने कहा आपकी तबियत ठीक नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा इलाज करने की और मैं कर ही रहा हूँ कोशिश पूरा। आपने कहा वसुंधरा का इलाज किया, गहलोत का भी कर रहा हूँ, कई आपके नेता जो फुदुक फुदुक कर रहे थे उनका भी इलाज किया था समय समय पे, और समय आएगा करता रहूंगा। लेकिन देखिए उसके लिए नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे भूख लगती है ना तो खाना खाते हैं, ताजा करने के लिए चाय बनाओ कॉफी बनाओ, तो हम लड़ते 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 ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, वो वोट से मिलेगी। ये जो नौजवान नारा लगाता है ना, मैं कई बार थक जाता हूँ तो आवाज आती है थकावट से, हनुमान जी आप थकना मत, अब समय करीब है, गंगानगर साथी है, भरतपुर साथी, तो मैं राजस्थान को एक करने के लिए निकला हूं। ये नई ऊर्जा का संचार, जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, खी उत्तर भी जीती, एक उपचुनाव बीजेपी जीती और 6 कांग्रेस पार्टी जीती। अब की बार इस परिपाटी को हमें सरदार सेठ से बदलना है, शेड्यूल कास्ट जाट और मुसलमान अगर ये पूरे वोट मिलाते हैं तो ये वोट होते हैं 1,80,000-90,000 से बाद 3 कई, और फिर दूसरे ओबीसी की जातियों को साथ मिला लो तो 2.25 लाख से बाहर बोट जाता है। यह परिवर्तन का आगाज है, यह सेमीफाइनल है राजस्थान का। अगर सेमीफाइनल के अंदर आपने आपके भाई को जिता दिया तो फाइनल मुकाबले के अंदर मैं दोनों पार्टियों को परास्त कर दूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जहां किसान कौम का बाहुल्य है, किसान दलित और अल्पसंख्यक एक हो जाएगा तो 120 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। आप तमाम स्टेट उठा के देखिए, यूपी बिहार हरियाणा, एक जाति बड़ी जाति आती है उसके साथ या तो मुसलमान आता है मेघवाल आता है, तो वहां सत्ता कांग्रेस भाजपा को छोड़ के नए लोग मुख्यमंत्री बनते हैं देश के अंदर तमाम जगहों पर देखा। एक जाति शुरुआत करती है और दूसरी जाति को जुड़ना होता है। हमारे सीताराम जी नाई के हम बीच में बैठे, नाई समाज का बड़ा बाहुल्य, मैं चुनाव लड़ा है सुजान करते सीताराम जी को, हमारे पास कोई बहुत बड़े संसाधन नहीं थे, 10 दिन की तैयारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पसी ने चुना दिए, मतलब ये स्थिति हो गई कि मेरे को एक एक बार वोट दे दो। अब लोग कह रहे हैं मेरे को सुजानगढ़ में कि साहब गलती कर दी, मैं तो जिताए गए जिताए बाद गड़बड़ होगा मामला, अब चुनाव फिर चुनाव बाद में होगा गलती सुधार लेना। तो मैं आपको ये भी कहूंगा कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस को वोट डाल दो और बाद में ये कहो हनुमान जी थोड़े वोटों का अंतर रह गया, आरी भी जीत जाती तो बढ़िया था, मेरे आत्मध्यानी में तो आपके गांव गांव जाऊंगा। देखिए मैंने प्रण किया कि भाई लालचंद मुंड के लिए हनुमान बेनीवाल गांव गांव जाएगा, मेरे चुनाव के अंदर भी वोट मांगने के उत्तर के अंदर 2 ही बार गया था, एक बार जब फार्म भरा और दूसरी बार एक कार्यक्रम और था, उत्तर की जनता ने कहा आप राजस्थान समारोह हम खुद चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा चुनाव के अंदर भी मैं पंचायतों में नहीं जा पाया क्योंकि मैं पूरी बीजेपी के लिए इस राजस्थान में वोट मांग रहा था। बीजेपी की जो 25 सीट आई 24 आई है उसके अंदर 15-16 सीटें
हनुमान बेनीवाल की मदद से आई है, मुझे 2.5-3 लाख वोट भाजपा ने दिलाए, बदले में 30 से 35 लाख वोट आरएलपी के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को दिला के, कई बीजेपी के नेता जो वेंटिलेटर पर थे उनका वेंटिलेटर मैंने ही हटाया था राजस्थान के अंदर, जो दिल्ली में कई मंत्री बने हुए हैं, कई बड़े पदों पे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों की ताकत से ही चुनाव जीत के गए थे। मुझे कोई कह रहा था बीजेपी के नेता कल भाषण दे रहे थे कि आरएलपी दिखेगी नहीं, आरएलपी कैसे नहीं दिखेगी, आरएलपी तो पूरे देश के अंदर दिख गई, 24 तो मोदी की थे बोलते हैं, ये हनुमान बेनीवाल है जो राजस्थान की थे बोलता है लोकसभा के अंदर, मैं मोदी का जयकारा नहीं करता, राजस्थान के तमाम मुद्दों की पैरोकारी करता हूं, चाहे ईस्टर्न कैनाल ईआरसीपी का मामला हो, चाहे टीटी कोरोना लंपी का मामला हो, राजस्थान में बढ़ते अपराध का मामला हो, चाहे राजस्थान के किसान को एमएसपी या दूसरे मामलों की बात हो, अगर राजस्थान की पैरवी इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर कोई करता है वो नागौर का सांसद है, तो पूरे राजस्थान की और देश के किसान और जवान की बात करता है। मैं बीजेपी के नेता ये कहना चाहता हूं कि सरदार शहर में आपकी हालत पतली हो गई, आपको उम्मीदवार नहीं मिले, बार बार उसी व्यक्ति को ला रहे हो, 4-5 बार से 3-4 बार से लगातार हरा ही रहे हो, लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने तय कर लिया कि इसकी जमानत जब्ती करा दो ताकि परमानेंट घर बैठ जाए, और वो आपका दोस्त देख के लग रहा है भाजपा की जमानत जब्ती कराओगे, और ये जरूरी भी है, और राजस्थान पूरा राजस्थान इस सरदार शहर की चुनाव की ओर देख रहा है, गुजरात वाले भी देख रहे हैं कि कहीं सरदार शहर में आरएलपी जीत गई तो 23 की रात कठिन होगी, दिल्ली भी देख रहा है, कांग्रेस भी देख रही है, भाइयों इससे अच्छा मौका नहीं होगा, मुझे लग रहा है भंवरलाल जी मौका देने के लिए पहले चले गए थे, मौका देना राजस्थान, ये सरदार शहर एक वो भी चाहते थे, नरेंद्र अक्सर बात करते थे कि गहलोत किसान विरोधी है, वो कहते थे तो अपनों की बात रखनी है, अब वो तो चले गए, सरकार घेरना चाहते थे तो मैं भी साथी था, गहलोत की सरकार घेरा में ही था, मैं बीजेपी वालों के साथ था और वो पायलट कैंप के अंदर थे, तो उनकी इच्छा तो जब भी पूरी होगी जब ये सीट कांग्रेस हारे और अशोक गहलोत के जो सपना है वो चकनाचूर, कांग्रेस वाले सीरियस ही नहीं ले रहे, उनको पता है हम तो अपना आप जीतेंगे, आप वोट दे देते तो 1 लाख वोट डालते हो आप कांग्रेस पार्टी को बिना काम किए, सरदार साहब में मुझे कहीं विकास नजर नहीं आ रहा, अस्पताल की बड़ी समस्या, बिजली की बड़ी समस्या, सड़कों की बड़ी समस्या, ये सरदार शहर जो राजनीतिक दूरी हुआ करता था, केंद्र होता था किसान राजनीति का, आज हम पीछे रह गए, कोई हमें पूछने वाला नहीं, कम संख्या के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं यहाँ पे, इन बातों को सोचना होगा, मैं आह्वान करता हूँ ओजरा सर गांव के मेरे भाइयों से, 36 कौम के नौजवानों से कि मैं गांव गांव जाऊंगा और आपको अपने भाई हनुमान बेनीवाल का मान रखना है, उसे नई ऊर्जा देनी है, आप अगर मेरे को इस सीट निकाल के दो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपका होगा, और हनुमान बेनीवाल अगर सरकार के नजदीक बैठ गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी का अगर 50 मीटर के घेरे में भी बैठ गया तो कर्ज माफ भी होगा, फ्री बिजली भी होगी, टोल मुक्त राजस्थान भी होगा, बेमुक्त अपराध मुक्त चूरू होगा, या चूरू में फिर बंदूक गोली नहीं चलेगी, इस तरह किसान के बेटे एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों में ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूमती है, हनुमान बेनीवाल की व्यवस्था को राजस्थान के अंदर लेगा, इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी, नौजवानों के अंदर भारी उत्साह राजस्थान के, लेकिन भी बहुत बड़ी ताकत है, आपका आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, और मैं लड़के जो मजबूत हुआ ऐसे थोड़े हुआ, आप देखो 25 साल का मेरा इतिहास उठा के किन किन परिस्थितियों से लड़ा, कितने बड़े बड़े गुंडों से, कितने बड़े बड़े माफियाओं से, कैसे कैसे लोग थे नागौर की राजनीति के अंदर, किस तरह वोट लेते थे, उन सबको घर बिठा के नागौर की जनता ने, क्यूंसर की जनता ने, और विश्वविद्यालय में जब राजनीति करता था तो चूरू शेखावटी के किसान के बेटों ने इस तरह सींच के एक छोटे पौधे को बड़ा किया था, आज वो किसान कौम के काम आ रहा है, मैं सत्ता छोड़ के पूरी जवानी इस कौम के लिए समर्पित की, आपसे अपील करने आया हूँ कि अपने भाई का मान और सम्मान रखना, ये छोटे बच्चे जो ईश्वर के रूप के अंदर हैं, ये जब नारे लगा रहे हैं और जिस उम्मीद से देख रहे हैं नए राजस्थान का सपना, इनका सपना जब भी पूरा होगा जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी वोटों से यहाँ से चुनाव आप जिताओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरदार शहर आप जिता दो, 1 साल का विधायक मांगने में आपके बीच आया हूँ, आपने 70 साल दूसरों को दिए, बीजेपी कांग्रेस पर भरोसा किया, 1 साल अपने भाई पे भरोसा करना
मैं आपको इस एक साल के बदले नया राजस्थान दूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। गांव के अंदर प्रमुख आपने मांगे बताई, ट्यूबवेलों पर 300 वोल्टेज से कम लाइट, कुछ 1-32 के लालचंद जी बता रहे थे जे से 2 जे से जे बढ़ाने से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो जल्दी आपके बढ़ाएंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो चुनाव का। एक कच्चे कनेक्शनों की डिमांड राशि बढ़ने के बावजूद नहीं हो रहे, ये हम कैंप लगाओगे आपके सारे कनेक्शन करवा देंगे, घर घर नल पानी योजना जो वंचित रह गए इनका भी कराएंगे, बारहवीं विद्यालय हाईवे पर है तो इसका क्या करना होता है, पूरे राजस्थान के देश की नजरें हैं सरदार शेर पे, और अब की बार आपको राजस्थान का सरदार बनना है, सरदार शेर वालों को सरदारी आपके हाथ में, अगर ये सीट जीता दी तो दिल्ली तक एक ही चर्चा होगा कि सरदार शेर जीत के मतलब राजस्थान जीतेंगे, ये तय हो जाएगा 50 सीट सरदार शेर प्रभावित करेगा। जोरदार जहाज की, पितर जी की, ख्वाजा साहब की, सिराजी माता की और पूरे गांव की जय, और किसान कौम की जय, और लालचंद जी की जय। हनुमान जी बहने वालों को फलों से तोला जा रहा है, यहाँ पर 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है RLP के कैंडिडेट को, हनुमान बहने वालों को फलों से तोला जा रहा है। आप देख रहे हैं तराजू में बिठाया गया हनुमान बेनीवाल को और फलों से तोला जा रहा है। सबके लिए वो मैं लड़ रहा हूँ, पूरा ये पूरे बोतल का चिन्ह है, पूरी मदद करना सारे लोग मिलके, हर जाति वर्ग के ले बेटे तुम लोग इधर बिल्कुल साहब बिल्कुल बच्चे आप घर घर में बोतलें बोतलें हो जाएगी साहब, टेंशन मत लेना, मना हो गया मारो। मित्रों मैं इस समय एक गांव से सरदार से जा रहा हूं और मैं एक दूध की गाड़ी में बैठा हूं, मुझे भोपारी की गाड़ी है और कुमार राम जी नाम है, ये जब मैं गाड़ी में बैठा तो इन्होंने राजनीति चर्चा शुरू कर दी, दो जने बैठे मैं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले अभी आप राजनीति की बातें कर रहे थे और शायद आपको पता नहीं था कि मैं पत्रकार हूं, तो बताइए आपको चुनाव में क्या लग रहा है, आप काम क्या करते हैं पहले बताएं। मैं तो व्यापार करता हूं, गांव नाज ले आता हूं बेचूं अटे जी, राकेश मेरा बेटा है, दो बार मैं ब्लॉक में चुनाव भी लड़े अपन। अच्छा अच्छा, जितने लोग यह कहता है ये के पार्टी है, बोतल की है, पीने की है, कि समझता ही को नहीं भाई, तो आ बोतल है तो पानी की बोतल है, विकास पानी की बोतल ही करसी सह चीज के चाहिए, कि सबसे मोटो पानी हुआ है, पानी चाहिए, ये पानी की बोतल है। और मेरा तो विचार ही जो लगे है कि दोनों पार्टियां हम धोखा हुई, लाल तृणमूल चुनाव जीत सी, आ बात है दोनों पार्टियां हम धोखा हुई, लाल तृणमूल चुनाव जीत सरदार सर है तो इसके माया के बराबर कांग्रेस बीजेपी वोट ले से बारह देहात में तो लाल तृणमूल लीड ले गया, बहुत तकड़ा वोट आऊँ वाले सरदार सर में भाजपा कांग्रेस की टक्कर रहेगी, गाँव में RLP रहेगी, गाँव में टोटल लोग आके के मारे एक चुनाव कॉलोनी बीटे में लाल तृणमूल मेरे सगा रात रात में पलटो पलट दिया, बोले भैंस ने दूध या क्यों, पहले लोग एक था भैंस नट जाती ना, मैं टडम जागे दूं था जो टडम जागे बहुलाल राम कुमार प्रधान ने ले गया बदला ने टडम दुयो लोका तू गे विशुकराम के पोते ने चुनाव जिता दी, और इन आपका क्या नाम है? हमारा कृष्ण लाल। आप क्या काम करते हो? हम तो किसान है। अच्छा, तो किसान किसके साथ है इस बार? किसान बोतल के साथ, RLP के साथ। RLP के? अच्छा, बहुत तकड़ा वोट मिलेगा, मैं कहूँ लाल तृणमूल को इतना तकड़ा भारी वोट मिलेगा, कारण आपको घर बाल दियो, पिताजी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, जो को घर बाल दियो पूरो है, वो लग रही है लोगों के काम आने वाला आदमी है, मेरी तो कोटा है, मैं तो एक भाई गाड़ी चलाऊँ, मेरा धंधो करूँ, मेरे छोरो बटन ला रही है वही, तो ये अब कल जीतेगा हनुमान बेनीवाल बहुत साथ देगा इनके सागे। देखिए मित्रों मैं एक, ये कौन सी गाड़ी आपकी? पिकअप। पिकअप में बैठा हूँ, पिकअप में बैठा हूँ, और मैं जो बैठा था तो इनकी चर्चाएं हो रही थी, इनको पता नहीं था मैं पत्रकार हूँ, फिर मैंने अपना माइक निकाला, मैंने सोचा इनसे बातचीत करें, आपको भी बताएं, क्योंकि अभी यहाँ पर पूरी चुनावी चर्चाएं चल रही है, उपचुनाव है सरदार शेर विधानसभा का, तो हर जगह चुनाव की बातें हो रही है, तो पिकअप में जाता हूँ, पिकअप में भी मैं बैठा तो इनकी चर्चा चली, तो मैंने सोचा कि चलो इनसे बातचीत कर ले, तो ये RLP के सपोर्टर हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इससे विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोण संघर्ष हो सकता है, भाजपा के राजेंद्र सिंह राठौर, राम सिंह कस्बा आज यहाँ पर पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं, RLP के हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है,
तो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आए थे जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया था अनिल जी ने, तो कुल मिलाकर तीनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। देखते हैं नतीजा क्या होता है। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि होता क्या है। भाई बीजेपी पक्का लीडर बीजेपी का एकदम पक्का जो हमारे गांव के माँ सुखराम जी माना। अच्छा हमारा क्या देखो हमारा काम कर दे तो अशोक पिछाकर कहता है कि सुखराम माना जी का एक नाई का तो उसका पकड़ लियो आप हम उस तरह काम कर देगा। तो मैं यह देखो क्या तेरी माँ भैर जी ने कांग्रेस में फिर लिया मैं मोहनलाल जी को सारा मोहनलाल जी साहब तो मेरा बाप सरदार से जमीन है इनमें लड़िया हुआ तो मोहनलाल तो बढ़िया अभी ठीक हो कोई बात नहीं पिंसा जी तो कोई बात ही नहीं सुनता क्यों मैं सुखराम माने की सुनता। तो भाई अब यह है कि मैं तो आरएलपी ली आरएलपी हटाएगी सरदार से बहुत तकड़े वोट हूँ बारह जी का लोग है लोग यही बात करे अब कल टेक दियो की को नहीं टेक दियो तो अब कल बाद तो सालो इन्हें बोतल ने डेढ़ लाल तन मुंडे 20,000 वोट हूँ जिस चुनाव ने जिधर मैं होता सर। आपने सुना इनकी बात, ये काफ़ी उत्साही है और आरएलपी के पक्के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं तो मज़ा है इनसे बातचीत करके। सफ़र का पता ही नहीं चला, ये मैंने 15 किलोमीटर इनकी गाड़ी में सफ़र किया है और इनकी पहले बातें सुनी फिर इनसे बातचीत की तो काफ़ी मज़ा आया। तो सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव काफ़ी रोचक होने वाले हैं और लग रहा है कि आरएलपी भाजपा और कांग्रेस में त्रिकोण संघर्ष होने वाला है। ऐसे इन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।